Hello and welcome to my channel. My name is Vibha, and in this video we will discuss next type of pronoun, which is demonstrative pronoun. इससे पहले हम pronoun की types में personal pronoun, reflexive emphatic pronouns और distributive pronouns discuss कर चुके हैं. तो अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं, तो उसका link मैंने description box में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं. Now let's talk about demonstrative pronoun. सबसे पहली बात वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं. तो डेमोन्स्ट्रेट वर्ड का ही देखो क्या मतलब होता है. टू शो, टू इंडिकेट समथिंग, किसी चीज की तरफ इशारा करना, किसी चीज को इंडिकेट करना, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में देखो क्या काम करते होंगे, यही पॉइंट आउट करने का काम ही, यही इंडिकेट करने का काम ही करते होंगे. तो एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वही प्रोनाउंस होते हैं विच आर यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स. क्लियर? किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं? यू माइट हैव हर्ड दीज वर्ड्स, दिस, दैट, दीज एंड दोज. यही होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं. अब इनमें देखो ये दिस और दैट जो वो सिंगुलर होते हैं, इन्हीं का प्लूरल होता है दीज और दोज. दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज. तो अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो तो आप दिस या दैट का यूज करोगे, और अगर प्लूरल की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हो, प्लूरल को पॉइंट आउट कर रहे हो, तब आप क्या यूज करोगे, दीज या फिर दोज. अब इनमें भी देख लेते हैं कब आप दिस यूज करोगे और कब दैट, या फिर कब दीज यूज करोगे और कब दोज का यूज करोगे. तो दिस और दीज जो है ये तो किसको पॉइंट आउट करते हैं, थिंग्स दैट आर नियर. मतलब अगर आपके पास में ही कोई चीज रखी है, आपको उसे पॉइंट आउट करना है, तब तो आप किसका यूज करोगे, दिस और दीज का, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिंगुलर है या प्लूरल. पास में ही कोई चीज रखी है और सिंगुलर है तो आप कहोगे दिस, और पास की कोई चीज अब और वो प्लूरल है तो आप क्या कहोगे, दीज. लाइकवाइज अगर कोई चीज दूर रखी है, टू पॉइंट आउट थिंग्स दैट आर अवे, अगर कोई चीज कुछ डिस्टेंस पर रखी है, उस केस में आप क्या यूज करोगे, दैट या फिर दोज. सिंगुलर होगा तो बोलोगे दैट, प्लूरल होगा तो क्या यूज करोगे, दोज. तो ये तो था इनका डिफरेंस, कब आप दिस यूज करोगे, कब दीज, कब दैट यूज करोगे और कब दोज. अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए ये वाले हैं हमारे इस तरफ वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस इज माय बुक. अगर आपके पास में ही कोई बुक रखी है और वो सिंगुलर है, मतलब एक ही बुक रखी है, तो आप क्या कहोगे, कैसे उसे इंडिकेट करोगे कि दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है. और अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, एक से ज्यादा बुक रखी है, तब आप क्या बोलोगे, दीज आर माई बुक्स, कि यह है मेरी बुक्स हैं. क्लियर? अगर आपको कोई दूर की, लाइकवाइज कोई दूर की चीज है, तब आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं खड़े हो, कुछ डिस्टेंस पर आपका घर है, तो आप क्या कहोगे, दैट इज द हाउस वेयर आई लिव, कि वो घर है जहां मैं रहता हूं. लाइकवाइज दूर की चीज है और प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल आपके वही घर में पेट्स दिख रहे हैं आपके कुछ, तो आप क्या कहोगे, दोज आर माय पेट्स, कि वो मेरे पेट्स हैं. तो यानी पास की चीज को अगर आपने बताना है तो दिस और दीज, सिंगुलर है तो दिस, प्लूरल है तो दीज. और अगर दूर की चीज को आपको इंडिकेट करना है तो सिंगुलर हो तो दैट और प्लूरल हो तो दोज. ये तो थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब डोंट कंफ्यूज इट विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स अलग है, हम वो एडजेक्टिव के चैप्टर में करेंगे, अभी के लिए एक ब्रीफ देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों में. देखो पता कैसे लगेगा आपको, अब देखिए इन सेंटेंसेस में भी दिस, दीज, दैट, दोज ये लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव है. अब आपको होगा इनका डिफरेंस पता कैसे लगेगा, पता सिंपल सी चीज है, पता आपको कैसे लगेगा, अगर आपको इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन दिख जाए. देखो बुक, बुक्स, हाउस, पेट्स, अगर इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन लिखा है, तब तो ये क्या है, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव.
लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये खुद ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, इनके बाद कोई नाउन नहीं लगा है, ये खुद ही किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, उस केस में ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एडजेक्टिव के चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे क्या होते हैं एडजेक्टिव्स। अभी के लिए आप कंफ्यूज ना हो तो एक ब्रीफ मैंने दे दिया है, निशानी मैंने आपको बता दी, कैसे पता लगेगा, अगर इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन लिखा मिल जाए तब तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, कि दिस बुक, दीज बुक्स, दैट हाउस, दोज पेट्स। जहां पर ये खुद ही सब्जेक्ट है, जैसे दैट इज द हाउस, दोज आर माय पेट्स, ठीक है, क्योंकि इज आर ये तो क्या है, वर्ब्स हैं, ठीक है, ये तो वर्ब्स हैं, यानी ये खुद ही सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर वर्ड्स अपने आप में सब्जेक्ट हैं, तो ये प्रोनाउन्स हैं, इनके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है, इनके बाद अगर कोई नाउन है तो ये एडजेक्टिव है। तो आई होप आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन थी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स होते क्या हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सो दैट आपको पता लगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी किस तरह के एरर्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। अब देखो, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स, आपको वर्ड दिखा दीज, आपको पता लगा कहीं ना कहीं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एरर हो सकता है, तो देखते हैं क्या गलती है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है क्लोथ्स, प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है आर वर्ब है, प्लूरल है, मतलब, और दीज वर्ड भी है, तो यानी यहाँ पर किसी प्लूरल की बात हो रही है, तभी दीज लगा है, तभी क्लोथ्स लिखा है और तभी आर वर्ब है, तो यानी मिस्टेक आपकी कहाँ पर है, इस काइंड में, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, तो आप काइंड नहीं, आप क्या वर्ड यूज करोगे, काइंड्स, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्लूरल की। कैसे पता लगा, दीज से, क्लोथ्स से और आर से, तो आप दीज काइंड नहीं, आप क्या बोलोगे, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, कि मेरे लिए ये कपड़े खरीदना बहुत महंगा है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, दो सॉर्ट ऑफ पीपल आर ऑलवेज नाइस टू यू ऑन योर फेस। अब दो सॉर्ट ऑफ पीपल, यहाँ पर भी दोस्त देखो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, पीपल खुद एक प्लूरल वर्ड है, मैंने आपको नाउन के चैप्टर में कराया था, आर प्लूरल वर्ब है, मींस यहाँ पर भी आपकी मिस्टेक कहाँ है, इस वर्ड सॉर्ट में, विच मींस काइंड, काइंड जैसा ही होता है सॉर्ट, तो सेम एरर है, ये दोनों ही सेंटेंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और देखो सेम ही है, बिल्कुल सेम है, करा क्या है, सिर्फ काइंड की जगह आपको सॉर्ट वर्ड दे दिया, एरर बिल्कुल सेम है, सिमिलरली उसी एरर की तरह ही यहाँ पर सॉर्ट नहीं क्या आएगा, सॉर्ट्स, दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल आप यहाँ पर कहोगे, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, सब दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर ऑलवेज नाइस टू यू ऑन योर फेस। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एरर भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये देखो, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई। अब आप कहोगे इस सेंटेंस में तो हमें कुछ एरर नहीं दिख रहा, ये बहुत सही लग रहा होगा, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई, बट ध्यान से समझना इस सेंटेंस में एरर है, और वो क्या है, ये देखो, ये कंपैरिजन के एरर्स होते हैं बेसिकली, और यहाँ पर हमने कंपैरिजन कर दिया है आउट ऑफ बॉक्स, ये कंपैरिजन वाले एरर्स बहुत आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पे, आउट ऑफ बॉक्स कंपैरिजन के एरर्स कहते हैं इन्हें हम, यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स कंपैरिजन है। अब ये होता क्या है आउट ऑफ बॉक्स कंपैरिजन, देखो, व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, हमेशा कंपैरिजन किस में होता है, सेम चीज में, ठीक है, सेम चीज में आप कंपैरिजन करोगे, यहाँ पर आपने कंपैरिजन कर दिया है आउट ऑफ बॉक्स, कैसे दिखाती हूँ मैं अभी, देखिए यहाँ पर आपने क्या बोला, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, मुंबई के क्लाइमेट की, ठीक है, इज बेटर, बेटर है देन चेन्नई, आपने कंपैरिजन किससे कर दिया, चेन्नई से। अब एक तरफ तो आप क्या ले रहे हो, क्लाइमेट ऑफ मुंबई, और एक तरफ आपने क्या ले रखा है, चेन्नई, ठीक है, तो अब जब कंपैरिजन है वो दोनों ही तरफ किसका होना चाहिए, क्लाइमेट का, ये तो है नहीं, आप क्लाइमेट को चेन्नई से कंपेयर कर दोगे, नो, आप अगर एक तरफ क्लाइमेट लेके चल रहे हो तो दूसरी तरफ भी आपके पास क्या होना चाहिए, क्लाइमेट,
यही आता है आपका आउट ऑफ बॉक्स कंपैरिजन। यहाँ पर आपने कंपैरिजन कर रखा है आउट ऑफ बॉक्स जाकर, जबकि आपको करना था दोनों तरफ क्लाइमेट का कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे ठीक करोगे अब इसको? यहाँ पर भी आपको क्या कहना था, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। ठीक है, आप कहना यही चाहते हो कि क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। लेकिन हम इस सेंटेंस को, मतलब सही है ये, गलत नहीं है, लेकिन हम इसे करेक्ट कैसे करते हैं? हम इस क्लाइमेट ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, दैट ऑफ। व्हाई? क्योंकि प्रोनाउन जो मैंने आपको स्टार्ट कराया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रोनाउन्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। अब इस सेंटेंस में ये क्लाइमेट वर्ड जो है, क्लाइमेट नाउन जो है, दो बार आ रहा है। ठीक है, अब दो बार आ रहा है, दोबारा रेपिटेशन तो होनी नहीं चाहिए। प्रोनाउन का काम ही क्या होता है, नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना। इसीलिए हम यहाँ पर क्लाइमेट की जगह क्या लिख देंगे, दूसरी बार जब ये क्लाइमेट वर्ड आएगा, हम इसकी जगह लिख देंगे दैट, विच इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन्स का काम ही यही होता है, नाउन्स को रिप्लेस करना टू अवॉइड इट्स रिपिटेशन। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, आप दोबारा एक बार आप ऐसे लिख के देख सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट ये नहीं समझ आता तो आप कंपैरिजन ऐसे करके देख सकते हो क्लाइमेट का क्लाइमेट के साथ, फिर उस क्लाइमेट को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, दैट प्रोनाउन से। तो करेक्ट सेंटेंस आपका यही होगा, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। ठीक है, अब बात हो रही है दोनों तरफ क्लाइमेट की। एक और सेंटेंस देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का ही है। इसमें देखो क्या लिखा है, द पीपल ऑफ आर सोसाइटी आर बेटर देन देयर सोसाइटी। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, आउट ऑफ बॉक्स कंपैरिजन। अब आपको ये मुझे लगता है समझ आ गया होगा यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स कंपैरिजन कैसे हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो क्या है, हमारी सोसाइटी के पीपल, लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या लिख दिया, देयर सोसाइटी। मतलब हमारी सोसाइटी के पीपल का कंपैरिजन आप दूसरी सोसाइटी से कर रहे हो। कंपैरिजन आपको करना किसका था, हमारी सोसाइटी के पीपल का, दूसरी सोसाइटी के पीपल से ही। तो आपको कहना क्या था यहाँ पर, द पीपल ऑफ आर सोसाइटी आर बेटर देन पीपल ऑफ देयर सोसाइटी। राइट राइट, यही कहना था आपको, द पीपल ऑफ आर सोसाइटी आर बेटर देन पीपल ऑफ देयर सोसाइटी, नॉट देयर सोसाइटी। वहां के भी आपको क्या लेने हैं, पीपल। अगेन नाउन, नाउन बार बार रिपीट ना हो तो हमें प्रोनाउन लगाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पीपल की जगह क्या लगाया, दोज ऑफ। अब आप कहोगे लास्ट एग्जाम्पल में तो आपने दैट ऑफ किया था, यहाँ पर दोज ऑफ कैसे? तो ये देखो, यहाँ पर बात किसकी थी, क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, मीन्स सिंगुलर आपको इसे लेना है, इसीलिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया दैट। लेकिन इस एग्जाम्पल में यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पीपल की। ठीक है, यहाँ पर नाउन है पीपल, और पीपल कैसा होता है, प्लूरल, इसीलिए हमने दैट का भी क्या कर दिया, प्लूरल। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, दैट ऑफ की जगह दोज ऑफ, क्योंकि पीपल क्या है, प्लूरल। तो करेक्ट सेंटेंस आपका इससे बनेगा, द पीपल ऑफ आर सोसाइटी आर बेटर देन दोज ऑफ देयर सोसाइटी। क्लियर? तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किया, उसके क्वेश्चंस देखे कैसे आए हुए प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्लास में हम और एक टाइप डिस्कस कर लेंगे प्रोनाउन्स की। सो इफ यू लाइक दिस सेशन, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, व्हिच इज रिलेटिव प्रोनाउन। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।